में करना पसंद आ गया था, इसलिए मैं यजीदी थोड़ा बोला कर नहीं रहना चाहता हूँ, बल्कि हुसैन से थोड़ा बोला कर रहना चाहता हूँ। करबला मेरा हुसैन चला है, मुकाबला होता रहा, इतना में हुए जब किया है मेरे हुसैन से, आका हुसैन से अपने रजमत की सफाई है। मैं वही हूँ जिसे नबी कांधे पर झुलाते थे, मैं वही हूँ जिसका नाना कयामत के दिन शफाअत फरमाएगा, मैं वही हूँ जिसके अलग के नाना तक तुम कलमा पढ़ते हो। अब भी समझ जाओ, अब भी अगर तुमने समझ लिया तो हुसैन अली अकबर के खून का हिसाब नहीं लेगा, अली अकबर के खून का हिसाब नहीं लेगा। मगर यजीद जब नहीं मांगता था, नहीं मांगी दौलत लड़ाई का ही वो मांगता था, सारे पैसों से यजीदियों के सरों पे वो चाचा चला दिया था कि हुसैन से अजमत में दौलत के खरीदते हुए सिरों की बुनियाद का वो देख नहीं पा रहा था। मेरा हुसैन है वाला पहुंचा है, लड़ाई की लड़ाई हो रही है, जिधर मेरा हुसैन से आता है दुश्मनों को खदेड़ कर मारता है। मेरे हुसैन मारते रहे, हर तरफ से तलवारों का सर पर मेरे हुसैन से पर है, तीरों का सर पर मेरे हुसैन से पर है, नेजों का सर पर मेरे हुसैन से पर है। 122 बड़े देखा होगा, जितना बड़ा से बड़ा पहलवान हो, अगर आप उसको खड़ा कर दो, एक तीर मारो, दो तीर मारो, तीन मारो, चार तीर मारो, जरूर वो थरा जमीन पे गिर जाएगा। जिसके चेहरे नादान पर 122 रक्त है, अरे चार तीर पर तो बड़ा से बड़ा पहलवान मार जाता है। मगर ए हुसैन तू गिरता क्यों नहीं है, ए हुसैन तू जमीन पर आता क्यों नहीं है, ए हुसैन तू घोड़ों को पुष्ट घोड़े घोड़े पुष्ट को छोड़ कर जमीन पर आता क्यों नहीं है, तो ताली जवाब देगी आज मेरे हुसैन तेरे ना हो पूछने वालों, यजीद के बच्चे के कोई ऐसा हथियार नहीं है जो हुसैन से गिरा गिरा, बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, जो हुसैन को गिरा देते तलवार मारती नहीं, तीरों का सख्त हुसैन से मैं गिरा सका, तलवारों का चोट हुसैन से मैं गिरा सका, नेजों का निशाना हुसैन से न गिरा सका। और इसको का हुजूर देख रहे हैं पूरे पूरे से आप में कह रहे हैं, देखो ऐसी भी कोई लड़ाई होती है, आखिर हुसैन गिरते क्या जल है, क्या लड़ाई है, क्या तेवर है। अली ने कहा वो फातिमा से देख रहे हो बेटे का, फातिमा ने कहा होगा अली से, जरा देखते हो लोग मेरे दिल का असर देख लो, मेरे दिल का असर देख लो, दो दो मुस्तफा के पास गए हुए तसव्वुर की बात कर रहे हैं, कहते हुए हुजूर हुसैन से ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं, हुसैन कैसी लड़ाई लड़ रहे हैं, मुस्तफा ने भी कहा होगा छेड़ो मत देखने दो, देखने दो लड़ाई हो रही है, मेरे हुसैन को यजीद की पूरी फौज में गिरा था। चूंकि शहादत का तोहफा बना था, चूंकि शहादत का तोहफा बना था, क्योंकि नबी ने बचपन में कहा था मेरा ये बेटा शहीद है, तो शहादत का पूरा बनना था मेरे हुसैन का इत्तेला दे रहा हूं, समझ 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 ले समझ ले, मेरे हुसैन का करबला में अपनी ताकत ना दिखाई है, चूंकि शहादत का पूरा बनना, हाँ एक मरतबा हल्की सी ताकत दिखलाई थी, जब किसी पदभक्त ने कहा था हुसैन देख तेरे मुराद का पानी के सब मौजे मारता है, सब पिए के मगर तू नहीं पी सकता, मेरे विषय ने कहा ए अल्लाह इसे प्यासा मार, ए अल्लाह इसे प्यासा मार, इतना कहना कि वो पानी पानी करता रहा,
नहरे फुरात पर वो पानी लेकर आते रहे देते रहे, मगर उसकी प्यास लग लग की पानी कहता रहा और वो मर गया। जो हुसैन है कि एक बार कहते हैं जैसा मार वो जिंदा न बचे, अगर मेरा हुसैन पूरी ताकत के साथ देता तो करबला में यजीदियों की ताकत कसी तो हुसैन के कर अगर चुनके शहादत और मेरा विषय है कब गिरे जब नमाज का ये शख्स नमाज आदमी की शहादत मेरे हुसैन है घोड़े से तार तक जमीन पर जाए। नमाज का वक्त नहीं होता मौलाना कुलहनान का, जब तक नमाज का वक्त नहीं हुआ मेरा हुसैन मरता, अगर नमाज का वक्त न होता तो मेरा हुसैन राजा नदी की तरह तड़पता रहता। मगर क्योंकि शहादत पर दुल्हा बना मेरा हुसैन शहीद की आसमान दिन का वक्त था, मगर ऐसा लगता था कि अब चांदनी निकल के हमारे है, बड़ी बड़ी मोतबर किताबों में है जैसे ही मेरा हुसैन शहीद हुआ एक काली आंधी चली गई, शाम से पत्थर उतारेगा पत्थर के नीचे बड़े बड़े पत्थर के पत्थर उठाए जाते बड़े पत्थर से आज हुसैन शहीद हुआ। छह महीने तक आसमान की सूर्खी न दे रहे छटते 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 आज भी सुर्खी रह गई है कि अहले नजर कहते हैं कि शाम के वक्त में जो आसमान के किनारे सुर्खी रहती है ये कभी हुसैन की याद आती है, ये हुसैन के लोगों की याद आती है। मेरा हुसैन शहीद हो गया, यजीदियों में चटचटा माहौल है, खेत में कूदे जा रहे हैं, कैसी तारीफ है करबला की, हम सिर्फ करबला की तारीफ को मुर्गा खाने के लिए हमने करबला की तारीख को सिर्फ लाठी डंडा खेलने के लिए बनाया है, हमने करबला की तारीख को सिर्फ ताजिया उठाने के लिए बनाया है, हमने करबला की तारीख को सिर्फ इधर उधर घूमने के लिए बनाया है। दस मोहब्बत खराब होता है तो हमारी बेटियां बेपर्दा बाजारों में घूमती है, कहीं कोई कपड़े की दुकान पर बैठती है, कभी मिठाई की दुकान पर बैठती है, वो भूल जाती है कि जिस करबला की याद में आज हम मिलते हैं इसी करबला की तारीख में सजदा सकीना भी है, इसी करबला की तारीख में सजदा सैयद भी है, झोपड़ियां जलाई जा रही है, खेमे जलाए जा रहे हैं, सारे खेमों से निकाल कर एक खेमे में इस्लाम की बेटियों को रख दिया गया है, उसी में एक 14 साल का बीमार हजरत इमाम जैनुल्लाह के दीन है, सारे खेमों को यजीदियों ने जला दिया, उसने तो सोचा था कि दौलत मिलेगी तो लूट कर ले जाएंगे, मगर नबी के घर वालों के यहाँ सोना चांदी कहाँ है, वहां तो शरीयत की हिफाजत की दौलत है, वहां तो कुरान की तिलावत की दौलत है, वहां तो सलामत तहफ्फुज़ की दौलत है। जब यजीदियों को कुछ न मिला तो एक बदबخت ने सैयदा सकीना के कान की बाली पर हमला किया और रोज कर उस बदबخت ने हजरत सकीना के लोग सारे मुबारक पर थप्पड़ बरसा किया। छोटी सी फूल सी बच्ची थी, घबरा गई, अपनी बीवी जैनब से लिपट गई। शाम होती है, यजीदियों की तरफ जश्न है, यजीदियों की तरफ पतामा है, यजीदियों की तरफ लाल आउट का सवाल है, यजीदियों की तरफ खाते का इंतजार हो रहा है, मगर कुछ थोड़े फासले पर एक खेमा है, खेमे में तारीकी है, कई दिन की भूखी है इस्लाम की शहजादिया, कई दिन की प्यासी है इस्लाम की शहजादिया, मगर इधर मस्ती है, इधर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। अचानक किसी को एहसास हुआ, उसने हुर की बीवी को बुलाया, कहा जाकर काफिले के बिटे बिटे लोगों को कुछ खिला दो। जैसे ही हजरत हुर की बीवी पहुंची है, इस वक्त सैयदा ज़ैनब का हाल ये था, मैं बराबर अपने तकरीर में कभी कभी छोट कर चेक कर पूरे में गुजरता हो तो ये बराबर एहसास का तरफ हो जाइए अलैहिम की तवज्जो। करबला की तारीख के दो हिस्से हैं, एक तारीख करबला की तारीख का एक हिस्सा मदीने से शुरू होता है, करबला पे खत्म होता है, और करबला की तारीख का दूसरा हिस्सा है जो करबला से शुरू होता है मदीने पर खत्म होता है, जो मदीने से शुरू होकर करबला का खत्म हुआ था
कर्बला के मैदान में हुसैन ने तैयार किया है, मगर चुबलाते रहो पहले तक अपने बाबा के सीने से लगती थी
ऐसी डायना, ऐसी कातिलवाद, ऐसी वर्षतनाक रात। अभी थोड़ी देर पहले तो गुलशन मुस्तफा का फूल खुशबुआ रहा, थोड़ी ही देर में कैसी पतझड़ की हवा चली है। सब लग गए, रात आई, खेमे में कहा किसी को नींद। एक जैनब है, हाथ में छोटी सी तलवार रहती है, कभी अंदर रहती है, कभी खेमे के बाहर जाती है, कभी कटे हुए अपने घर के शहजादों की लाशें देखती है। अंदर आती है तो हौसलों का सामान बनकर कभी हिंदू रुबाब को समझाती है, कभी शहरे वालों को समझाती है, कभी सकीनों को कलेजे लगाती है। अचानक हर दफे जैनब तो आती जाती रहती है, अचानक उन्हें एहसास होता है कि सकीना नहीं है। कहां गई सकीना? काली रात, साय साय करके हुई रात, डराने वाली रात, सकीना कहां चली गई? आवाज देती है, समझ में नहीं आती है जैनब को। बाहर निकलती है, क्या देखती है कि एक जगह है, वहां पर ऊंचाई है। हजरत जैनब वहां पहुंची, हिलाती है, देखती है कि सकीना सोई है। सकीना सोई है, हिलाकर कहती है, सकीना तू यहां सोई है, फूफी क्यों उठा दिया, बड़े आराम की नींद आई थी, क्यों जगा दिया, बड़े सुकून की नींद आई थी फूफी। कहा तू यहां कैसे आकर सो गई मेरी सकीना? कहा क्या करूं, आदत कभी भी अब्बा के बगैर सोने की नहीं थी, अब्बा की छातियों से लिपट कर सोती थी, आज ऐसी खतरनाक रात तो कभी नहीं देखी। भैया भी नहीं, बाबा भी नहीं, चाचा भी नहीं, अब्बा भी नहीं, मुझे नींद नहीं आती, अब्बा का सीना टूट गई थी, सो भी कैसी। बाहर निकली, अचानक मेरे मुंह से निकल गई बात, अब्बा कहां हो? सकीना को सुनाओ, मैं नहीं जाता। अब्बा कहां हो? सकीना को नींद कैसे आएगी? जैसे कि मैंने कहा सकीना नींद नहीं आती, पापा अपने सीने से लगकर सोने के लिए जाता दो। जैनब कहती है तुमने कैसे जाना कि तुम्हारे बाबा का सीना है? तो कहती है सकीना रोकर कि जैसे ही मैंने कहा बाबा सकीना को नींद नहीं आती, सीने से लगकर सोने के लिए जाता दो। कहां चले गए मेरी रात छोड़कर? तो इस सीने से आवाज आई थी बेटी सकीना, अगर के तेरे पापा का सर यजीद के पास है, यजीद के खेमे में है, मगर अभी भी तेरे पापा का कटा हुआ धार सीने के कटे में ही फट है। कितना दम, बयान करने वाला भी हकीकत नहीं पेश कर सकता, सुनने वाले भी हकीकत नहीं पेश कर सकते। लूटा भटा काफिला है, 11 भर उमर हराम है, इस्लाम की बेटियों को नंगियों पे बिठाया गया, नंगियों की नंगी पीठों पे बिठाया गया, हाथ पांव रस्सियों से जकड़ दिए गए। चला है ये काफिला, चला है दिन ऊपर के रास्ते में है, ये काफिला गुजर रहा है, मगर मेरा हुसैन जो अब तक अपनी ताकत नहीं दिखला रहा था, रास्ते में अपनी ताकत दिखला रहा है। अब मालूम हुआ कि जब कटा हुआ सरे हुसैन कितना पावरफुल है, तो सटा हुआ सरे हुसैन कितना पावरफुल होगा। ये जो हुसैन का काफिला चला है, नेजे पर मेरे हुसैन का असर है, यजीदियों का लश्कर पीछे पीछे है, इस्लाम की बेटियों को ऊंटों की नंगी पीठों पे बैठा दिया गया है। अचानक काफिला गुजर रहा है, सरे हुसैन इस नेजे पर था, वो नेजा अचानक रुक जाता है, यजीदी फौज हिलाना चाहती है, हिला नहीं पाती है, यजीदी फौज डुलाना चाहती है, डुला नहीं पाती है। अचानक किसी ने
शिम्र से कहा, ए शिम्र देखो ना, अरे कटा हुआ शरीर हुसैन इस नेजे पर है, वो नेजा हिलता ही नहीं है, वो नेजा आगे बढ़ता ही नहीं है। शिम्र भी पहुंचा, उसने भी हिलाया डुलाया, मगर कटा हुआ शरीर हुसैन हिलता नहीं है, वो नेजा हिलता नहीं है। अचानक शिम्र ने कहा, बुलाओ उनके बेटे 1400 साल के आदिल को। आदिल बीमार लाए गए, बुखार में तप रहे हैं, नजर हिलती है, गर्मी अलग है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन लाए गए, यजीद शिम्र ने कहा, ए ज़ैनुल आबिदीन अपने बाबा से कह कि वो चलना शुरू कर दे, वरना जो बचे हुए हैं उनको भी कत्ल करना शुरू कर दूंगा। इमाम हुसैन के सरहदस के पास हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पहुंचे, पहुंचकर कहते हैं, बाबा आप गुजरते क्यों नहीं, बाबा आप चलते क्यों नहीं, बाबा आगे बढ़ते क्यों नहीं। गुलशन फातिमी का एक चराग जो ज़ैनुल आबिदीन की सूरत पे है, कहीं इसे भी ये पूछा न दे, बाबा चलिए, बाबा आगे बढ़िए। जैसे ही इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, कटे हुए सर से आवाज आई, ज़ैनुल आबिदीन मैं आगे को बढ़ जाऊं, मगर कैसे बढ़ूं, मेरी छोटी फूल सी बच्ची सकीना जो नंगी ऊंट की नंगी पीठ पे बैठी हुई है, मेरी बेटी सकीना कभी नंगी ऊंटियों के नंगी पीठों पे नहीं बैठती थी, अचानक छोटी थी, काफला समझ न सका, मेरी छोटी बेटी सकीना रास्ते में गिर गई है, जब तक मेरी सकीना नहीं आएगी मेरा सर आगे बढ़ने वाला नहीं है। क्या मतलब हुआ कि काफले की कयादत भी मेरा हुसैन कर रहा था, काफले की निगरानी भी मेरा हुसैन कर रहा था। मेरा हुसैन कहता है, आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक कि मेरी सकीना ना आ जाए। इतना सूखा था अपने भाई हुसैन को क्या जवाब दूंगी, मैं एक बेटी को न संभाल सकी, सकीना को तलाश कर रही है। हजरत ज़ैनब की आंखों में आंसू है, बेकदरी और बेताबी बढ़ती जा रही है। ऐसे नाम के बेटो, तुम भी बेटे रखते हो, तुम भी बेटियां रखते हो, तुम्हारे पास भी बेटे और बेटियों के लिए कलेजे हैं, मगर करबला वालों का कलेजा तू देखो कैसा कलेजा था इस्लाम के इन शहजादों का। हजरत ज़ैनब आवाज देती है, नहीं मिलती ज़ैनब, नहीं मिलती सकीना, आगे बढ़ती है, अचानक क्या देखती है कि एक दरख्त के करीब एक औरत पर्दे के साथ निकाब पोश वो बैठी है। इस कदमों से ज़ैनब बड़ी कहती है, ओ पर्दा नशी खातून, तू बता यहाँ पर तूने एक छोटी सी फूल सी बच्ची को देखा है, चेहरा थोड़ा मुरझा गया जरूर है, मगर उस चेहरे की शाखा भी नहीं गई है, क्या तुमने मेरी बेटी सकीना को देखा है। इतना कहती है और सकी ज़ैनब रोती है, जैसे ही रोती है वो खातून भी रोने लगती है। हजरत ज़ैनब कहती है, ये खातून तू क्यों मेरे घर में रो रही है, मैं तो लूटे पीटे काफले की सही रानियां हूँ, तू क्यों रो रही हो। इतना कहना था, वो पर्दा नशी औरत जब चेहरे से निकाब हटाती है तो क्या देखती है ज़ैनब के, वो पर्दा नशी खातून कोई और नहीं है, वो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा है, जो अपनी पोती सकीना को अपनी गोद में लेकर थपकियां देकर सुना रही है। हजरत अजीब तारीख करबला है, अजीब करबला की तारीख में गम है। काफला वहां से आगे चला है, कूफा पहुंचा है, कूफे में ऐलान हो चुका है, कोई गलियों में न निकले, हर तरफ कर्फ्यू का माहौल है, कटे पिटे लोग गए हैं इतने सियार के दरबार में, इतने सियार को बदबख्ती की सारी मिसालें कायम कर दी। जब यजीद के दरबार में खबर मिली कि 28-34 दिन से यजीद इब्ने ज़ियाद की कैद खाने में
इस्लाम की बेटियां थी। यजीद ने कहा तुम्हें दमिश्क रवाना करो। जब काफला दमिश्क की तरफ रवाना हुआ, कैसे कैसे रास्ते में वाकयात हुए, जब इब्ने ज़ियाद की तरफ फौजी वहां पर सर लेकर कि फौजी सर लेकर पड़ रहा था कि सबसे पहले सर मैं पेश करूंगा, इब्ने ज़ियाद मुझे इनाम देगा। मगर रास्ते में शाम हो गई, रात हो गई, इमाम हुसैन के सर अक्सर वो नीचे से उतारता है, अपने घर लेकर जाता है और अपनी बीवी दीवार से कहता है, बीवी दीवार कहती है ये किसका सर लेकर तुम आए हो? कहता है कि ये शायद इब्ने अली का सर है, मैं काट कर लाया हूँ, बहुत इनाम मिलेगा, बड़ी दौलत मिलेगी। निवार नबी के घर वालों से मोहब्बत करने वाली खातून थी, इतना सुनते ही वो जलाल में आ गई, कहे हाय रे बदबخت, तूने किन लिए घर के बेटे का सर कलम किया है? तूने चंद सिक्कों की लालच में हमेशा के लिए जहन्नम को अपना मुकद्दर कर लिया है। यही तेरे हुसैन ने इंतकाम लेना शुरू कर दिया, यही तेरे खून हुसैन ने बदला लेना शुरू कर दिया। अरे निवार अरे हुसैन को लेती है, अदब से धोती है, खुशबू में लगाती है, काफूर बनती है, कपड़े में सजाती है, अदब से बैठती है। आपको मेरा सुबह रोती रहते हैं औला, मुझे इस जुर्म में सिर्फ जुर्म रखना, खौफी के जुर्म का शरीक मैं नहीं हूँ, मैं तो मुहिब्बे अहले बैत में हूँ, मैं तो अहले बैत की फिदायों में हूँ। वो रोती रही, सुबह जैसी ही हुई है, निवार कहती है खौली ले तुझे यजीद की दौलत चाहिए जन औलत ले, इब्ने ज़ियादा दरबार में तुझे इज्जत चाहिए जन इज्जत ले, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती हूँ जिस घर में मेरे मुस्तफा के नवासे का कातिल रहता हो। अब निवार कहती हुई घर से निकल पड़ी, वो खौली दौड़ता हुआ पीछे भागा। अरे दौलत तेरे लिए कमा रहा हूँ, पैसे तेरे लिए कमा रहा हूँ, मत जा, बच्चे किसके सहारे लिएंगे? तो खौली की बीवी निवार तुझे अपने बच्चे की फिक्र है, तुझे नबी के बच्चे की फिक्र नहीं हुई, तुझे अपने बच्चे की फिक्र है, मुस्तफा के बच्चों की फिक्र नहीं हुई। मैं अपने बच्चों के लिए नहीं जी सकती हूँ, मैं तो मुस्तफा के बच्चों की याद में जी सकता हूँ। हुसैन ने इंतकाम लेना शुरू कर दिया, काफला आगे बढ़ा। तारीख के बहुत सारे हिस्से हैं, बहुत कुछ बयान किया जा सकता है और कुछ नहीं बयान किया जा सकता है। जरा करबला का वो सीना, करबला के बाद का वो मंजर देखिए, मेरा हुसैन सर मेरे हुसैन का काफले के साथ है, आगे बढ़ा ये काफला, दिमश्क पहुंचा है, पाली खड़ा कर दिया गया, कई दिन तक उस काफले को बाहर ही रखा गया और दिमश्क में ये शोर करवाया गया, बागियों का सर है, दहशत गर्दों का सर है, हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने वालों का सर है, पूरा दिमश्क